दोस्तों, मुल्क चाहे कोई भी हो, वो पूरी तरह अपनी आर्मी पर ही डिपेंड करता है। अगर इसकी आर्मी ताकतवर होगी तो वो मुल्क भी ताकतवर होगा। इसे किसी भी दूसरे मुल्क से कोई खतरा नहीं होगा। और अगर किसी मुल्क की आर्मी कमजोर होगी तो जाहिर है कि वो मुल्क भी कमजोर होगा। इस पर दुनिया का छोटे से छोटा मुल्क भी हमला करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि दुनिया का हर मुल्क अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग और एडवांस करने की कोशिश में लगा रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया भर में मौजूद सबसे एडवांस और पावरफुल आर्मीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 1, अमेरिकन आर्मी। अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, जिसे द सुपर पावर के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकन मिलिट्री का क्याम 14 जून 1775 को हुआ। इस वक्त अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ 1,29,000 सिपाही ही मौजूद थे। इन सोल्जर ने वर्ल्ड वार 1 और 2 के अलावा और बहुत सी जंगें लड़ी हैं, जिनमें इंडियन वार, द वार ऑफ 1812, मैक्सिको वार, फिलिपाइन वार, अमेरिकन सिविल वार, बनाना वार जैसी बड़ी बड़ी जंगें शामिल हैं। अमेरिकन आर्मी को दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी माना जाता है, जिसका सालाना बजट 7.4 बिलियन यूएस डॉलर है। अमेरिका की कुल आबादी में से 1.3 मिलियन या फिर 13 लाख सोल्जर हर वक्त अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। अमेरिकन आर्मी के खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह उनके पास एडवांस मिलिट्री वेपन है। इस आर्मी के पास दुनिया के जदीद तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक्स और एडवांस गन्स मौजूद हैं। यही वजह है कि ये आर्मी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। इस आर्मी में दुनिया भर के हाई ट्रेंड मिलिट्री सोल्जर हैं, जो हर वक्त किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिकन आर्मी के पास टोटल 13,233 एयरक्राफ्ट, 1,956 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट, 904 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 6,100 टैंक्स मौजूद हैं, और इसके अलावा कई और एडवांस वेपन भी मौजूद हैं। नंबर 2, रशियन आर्मी। दोस्तों, रशियन फेडरेशन दुनिया की अहम तरीन ताकतों में से एक है। इसके पास दुनिया की स्ट्रॉन्ग और एडवांस आर्मी होने के साथ साथ एक तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। रशियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, जिसके पास 10 लाख सोल्जर मौजूद हैं, जो कि हमेशा अपनी ड्यूटी पर एक्टिव रहते हैं। रशिया ज्यादातर फौज को अपने इलाकों और बॉर्डर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है। ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया का 53% हिस्सा बर्फ के साथ घिरा हुआ है। यही वजह है कि रशियन मिलिट्री सोल्जर को इस तरह ट्रेंड किया जाता है कि वो बर्फबारी के इलाकों में आसानी से जिंदा रह सकें और अपने मुल्क के बॉर्डर और इलाकों की हिफाजत कर सकें। ये आर्मी इतनी ज्यादा हाईली ट्रेंड होती है कि चंद मिनट के अंदर अपने दुश्मन के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि रशियन आर्मी अमेरिकन आर्मी को आसानी से टक्कर दे सकती है। इस आर्मी के पास दुनिया भर के जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, जिनमें 4,144 एयरक्राफ्ट, 779 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट, 538 अटैकिंग हेलीकॉप्टर, 13,000 टैंक और 613 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। रशियन मिलिट्री का सालाना बजट 4.3 बिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिलती रहे। नंबर 3, चाइना आर्मी। चाइना आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चाइना दुनिया के एक ऐसा एडवांस मुल्क है जो बकाया दुनिया से तकरीबन 10 साल आगे चल रहा है। जो मुल्क तरक्की के मामले में दुनिया से 10 साल आगे हो, तो क्या इसकी आर्मी ताकतवर और स्ट्रॉन्ग ना होगी? इसलिए रिपब्लिक ऑफ चाइना की आर्मी दुनिया की पावरफुल और खौफनाक आर्मी में से एक है। चाइना दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी आर्मी का सालाना बजट 17.8 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि अमेरिकन आर्मी के बजट से कई गुना ज्यादा है। और इसके अलावा ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा टैंक्स मौजूद हैं। ये इन टैंक्स को दुश्मन की पोजीशन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना आर्मी में टोटल 33,55,000 सिपाही तैनात हैं। चाइना के पास 13,260 एयरक्राफ्ट, 1,200 जेट एयरक्राफ्ट, 327 अटैकिंग हेलीकॉप्टर और इसके अलावा 3,205 टैंक्स हैं, जो कि दूसरी आर्मी से कई ज्यादा हैं। चाइना आर्मी के सोल्जर इतने ज्यादा ट्रेंड होते हैं कि जो चंद मिनट के अंदर तैयार होकर जंग के लिए रेडी हो जाते हैं। नंबर 4, इंडियन आर्मी। दोस्तों, इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका टोटल एरिया 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसके अलावा इंडिया की कुल आबादी 1.38 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इंडिया की आर्मी में टोटल सोल्जर की तादाद 1.4 बिलियन या फिर 14 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। और इसके अलावा इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी मौजूद है। इंडियन आर्मी बहुत ही ज्यादा तरबियत याफ्ता और एडवांस हथियारों से लैस होती है।
जो हर वक्त किसी भी मुल्क के साथ जंगी सूरत हाल में तैयार रहती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी का कुल बजट 7.6 बिलियन US डॉलर है। इस आर्मी के पास 2119 एयरक्राफ्ट, 542 फाइटर जेट, 31 हेलीकॉप्टर, 4730 टैंक्स और इसके अलावा इंडियन आर्मी के पास दुनिया के सबसे एडवांस वेपन भी मौजूद है। यही वजह है कि ये आर्मी दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी में चौथे नंबर पर आती है। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी के मुतालिक और इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, दोस्तों, पाकिस्तान का क्याम 14 अगस्त 1947 को हुआ। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी इतनी ज्यादा मजबूत और ताकतवर नहीं थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये आर्मी ताकतवर होती गई। अब ये दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज में शुमार की जाती है। पाकिस्तान का कुल रकबा 270,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसकी हिफाजत करने के लिए हर वक्त पाकिस्तान आर्मी तैयार रहती है। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि 1961 में पाकिस्तान आर्मी की तादाद सिर्फ और सिर्फ 93,000 थी, लेकिन आज यानी 2022 में इस आर्मी की तादाद कई गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान आर्मी में 9,35,800 सोल्जर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की तादाद इंडियन आर्मी के मुकाबले आधी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया को कई जंगों में शिकस्त दी है, जिनमें 1965 और 1971 की जंगें शामिल हैं। दोस्तों, ISI पाकिस्तान की सबसे खतरनाक और हाईली ट्रेंड आर्मी है, जो कुछ ही देर में किसी भी शख्स तक रसाई हासिल कर सकती है। यही वजह है ISI जासूसी या किसी दूसरे खतरनाक मिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को किसी भी बैरूनी हमले से बचाने के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर सकती है। पाकिस्तानी तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान की इज्जत और हुर्मत की हिफाजत की। इनमें मेजर सरवर शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, राशिद मनहाज शहीद और मेजर अजीज भट्टी जैसे जवान शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत की खातर अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। आज भी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान आर्मी से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं करते। पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसे ऐसे जदीद तरीन हथियार हैं जो पल भर में किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे खतरनाक मिसाइल गौरी मिसाइल है, जो चंद मिनट के अंदर मुंबई जैसे बड़े शहर का नामो निशान दुनिया से मिटा सकता है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मुल्क पाकिस्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करता। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को